press the bell icon on the YouTube app and never miss any update from IWM Buzz. तो मरियम की दो ब्यूटीफुल सिस्टर्स भी हैं, तो किस तरह का आपका किरदार है, किस तरह का कैरेक्टर है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए, आप शुरू कीजिए। मरियम ही इतनी प्यारी है, तो मरियम की सिस्टर्स का तो प्यारा होना बनता है, राइट। ये दोनों बहनें मरियम से बिल्कुल अलग हैं, एक्चुअली तीनों ही एक दूसरे से अलग हैं। माहिरा जो है, जो कि मैं प्ले कर रही हूँ माहिरा का कैरेक्टर, माहिरा बहुत ही फन लविंग है। माहिरा बहुत फन लविंग है, बहुत लाइट हार्टेड है, बहुत फैशनेबल है, बहुत ज़्यादा लव में बिलीव करती है, बहुत ड्रीमी है, उसकी ड्रीमी आइज़ है बेसिकली यू कैन से। और उसको उसकी एक अलग दुनिया है जहाँ पे वो अपने फैशन में, अपने कपड़ों में, अपनी एक लाइफ को सेटल करने में लगी रहती है। कि यू नो उसका एम क्या है, शादी करना बस, प्यार में। और वो बहुत ज़्यादा बिलीव करती है इन सब चीज़ों में। मरियम के साथ भी उसका रिश्ता बहुत प्यारा है, मेहर के साथ भी। मरियम के साथ उसका एक खट्टा मीठा सा रिश्ता है जहाँ पे वो दोनों की नोकझोंक चलती रहती है, तो वो पार्ट आपको देखने को मिलेगा। मेहर के साथ एक बहुत सुलझा हुआ सा है जहाँ पर कि वो मेहर को अंडरस्टैंड करती है, जबकि वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी नासमझ है। बट यहाँ पर है, वहीं मरियम के साथ वो नहीं है, उसके साथ उसके जैसी हो जाती है, किसी के ऊपर चढ़ के लड़ाई करते हैं, मारते हैं एक दूसरे को। सो माहिरा इज़ लाइक Okay, what do you have to say about your character? So, Meher is a girl who is wanting to be a lawyer. She is studying law and she is very focused in life. Uska jaise Mayra se bilkul opposite character hai. She is very simple, she is very mature, she is very understanding. Fulji bhi ladki hai, apne parivar ko aage leke jaane wali hai. Financially support karti hai apne parivar ko aur apni behno se bahut beintaha mohabbat karti hai. वो चाहती है कि उसकी बहनें भी उसकी तरह उसूलों पे चलें, और जब वो भटकने लगते हैं तो वो डांट कर उन्हें वापस रास्ते पे लेकर आती है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। शी इज़ वेरी ओपिनियनेटेड और वो अपना पॉइंट हमेशा रखती है, एंड एक हेड स्ट्रॉन्ग लड़की है बेसिकली मेहर। और वो आपको शो के दौरान देखेगा जब वो अपना ओपिनियन रखती है तो किस तरीके से रखती है। ओके, नाउ व्हेन यू हैव टॉक्ड अबाउट योर रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स, रियल लाइफ में जैसे आप हैं उसमें कोई सिमिलैरिटीज आपके कैरेक्टर में? नहीं, मैं तो बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मैं तो फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, वेरी लाइवली, फुल ऑफ स्पंक एंड वेरी बबली गर्ल नेक्स्ट डोर। आई एम द गर्ल नेक्स्ट डोर। जहाँ माहिरा और प्रियंका में डिफ्रेंशिएट कर अगर मैं करूँगी, तो प्रियंका तो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है और माहिरा तो बिल्कुल शादी में घुसी पड़ी है। उसको बिल्कुल शादी से मतलब है, उसको अपने प्यार से मतलब है, अपने आप से। वहाँ प्रियंका है करियर ओरिएंटेड है और फन लविंग है, बबली है। वो थोड़ा कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मैच होता है, बट काफ़ी टाइम पे वो समझदार है, शांत है। माहिरा तो बिल्कुल अपोजिट। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, यू नो, एक स्किन को छोड़ के दूसरी स्किन में घुसना, उस कैरेक्टर को करना। तो इट्स रियली फन लविंग, इट इज़ चैलेंजिंग ऑल्सो, आई एम लाइक। ओके, जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी नटखट होते हैं, काफ़ी उनके साथ काम करने काफ़ी मज़ा आता है, तो ऑफ कैमरा किस तरह की मस्ती होती है मरियम के साथ? मज़ा आता है, मतलब बच्चे इतनी मस्ती करते हैं, एनर्जी, मतलब एनर्जेटिक है, रोकने में पूरी ताकत लग जाती है एक्चुअली। उनसे ना एक एनर्जी मिलती है आपको। क्या होता है कि जैसे सीन कट होता है, हम लोग कैसे होते हैं कि सीन हुआ, चलो बैठ गए, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। बच्चे नहीं करते हैं, वो बस सीन खत्म हुआ एंड दे आर अगेन ऑन देयर, यू नो, फीट, लाइक वो भागेंगे, दौड़ेंगे। तो हमको भी वो अपने आप में बांधे रखते हैं, तो वी गेट दैट एनर्जी। सो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी नाइस पार्ट ऑफ दिस शो, कि हम लोग को एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है बच्चों से। अच्छे हैं इस शो में हमारा एक कैरेक्टर, वो तो बहुत नटखट है, मतलब इतना है कि उससे आपको यू गेट लॉट्स ऑफ एनर्जी।
सो ये सारे बच्चे जो हैं बहुत ही मस्ती खोर हैं और उनके साथ सीन करने में भी मज़ा आता है, बट दे आर ऑलवेज इन फुल स्पंक एंड दे आर लाफिंग एंड हैविंग फन, और जैसे वो ऑन स्क्रीन है ना वैसे ही ऑफ स्क्रीन है, क्योंकि वो इतने रॉ है, उन्हें कभी कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, दे आर रियल दे आर देमसेल्फ, मतलब बिलीव नहीं करो, वो बहुत अच्छा है। हम लोग भोपाल में थे, इतनी गर्मी थी वहाँ पे, हमने कम डे शूट किया, बच्चों ने ज़्यादा शूट किया। मैं जब उनके सेट पे गई और मैं उनसे मिली तो आई वॉज़ वेरी वरीड फॉर देम, हाई बच्चे थक गए होंगे इतना, तब इनका क्या, आप समझ, एक होता है ना तरीका, आपको फील होता है उनसे। जब मैं उनसे मिली उनके फेसेस फुल ऑफ लव, फुल ऑफ स्माइल, आई सेड आर यू टाइम नो, तो मुझे लगा कि मैं क्यों उनके लिए, मतलब इतना ज़्यादा एनर्जी है उनके अंदर, सो दैट इज़ द डिफरेंस। सो वो एक बहुत ज़्यादा फन लविंग होने वाला है, मज़ा आएगा। 7:30 का जो स्लॉट, जो टाइम स्लॉट है वो ये मुहिम मोहब्बत है काफ़ी अरसों से, मतलब हाँ। अच्छा करते हुए आ रहा है, तो इज़ देयर एनी प्रेशर कि 7:30 का जो टाइम स्लॉट है उस पर अच्छा करना है, एंड उम्मीदें ज़्यादा हैं लोगों के लिए? एक्चुअली ऑब्वियसली ये 7:30 का जो टाइम पे ये है मोहब्बत है अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा शो है, मैं भी उस शो को फॉलो करती हूँ कई बार, सो ये प्रेशर तो है कि एक ऑडियंस जो उसको देखती थी उनको भी उतना ही अच्छा शो चाहिए, उतना ही प्यार वो हमें भी दें। एक्चुअली मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें भी उतना ही प्यार दें जितना प्यार उन्होंने ये है मोहब्बते को दिया, और इतना आगे उसको लेके गए। सो थोड़ा सा है, बट कहीं ना कहीं उन लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है कि दे विल गिव अस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। एक्चुअली प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो बहुत ही एक ब्रांड है, वो शो नहीं है, वो एक ब्रांड बन चुका है, उसके सारे किरदार एक ब्रांड बन चुके हैं, और जो वो उस शो में देखते हैं, जो वो पसंद करती है ऑडियंसेस, तो मुझे लग रहा है कि इस शो में उन्हें बहुत ज़्यादा वो उनकी एक्सपेक्टेशन मीट होगी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल शो। सो आई थिंक कि वील मीट देयर एक्सपेक्टेशंस एंड दे विल बी वेरी हैप्पी टू वॉच दिस शो। इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड हैप्पी शो, और हम चाहते हैं कि जितने साल ये है मोहब्बत के चला, हमारा शो भी चला, हमें भी चलना है, हमें भी उतना प्यार दीजिए। मुस्लिम बैकग्राउंड पे ये पूरा शो बेस्ड है, तो कोई उर्दू मतलब देखने सुनने को मिलेगी आप लोगों से? बिल्कुल मिलेगी, बहुत उर्दू और नवाबी स्टाइल में उर्दू सुनने मिलेगी। हम लोग बात ही उस अदब के साथ, उस नज़ाकत के साथ करेंगे हम लोग, बिल्कुल उर्दू। ये नहीं कि उर्दू की, हिंदी और उर्दू कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं, सो वो क्योंकि हम लोग आज की ही एक फैमिली जैसी एक नॉर्मल फैमिली होती है, इट्स जस्ट दैट कि हर लैंग्वेज में एक डिफरेंस होता है, तो वही यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। एनी फाइनल थॉट्स टू द ऑडियंस? फाइनल थॉट्स तो ये हैं कि प्लीज़ वॉच मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव, प्लीज़ वॉच इट, विच इज़ कमिंग ऑन स्टार प्लस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 7:30 PM, प्लीज़ देखिए, बहुत सारा प्यार। खुदा। हाय, दिस इज़ प्रियंका कंडवाल, दिस इज़ शीना बजाज, कीप वॉचिंग IWM बस।